कैसे कह सकते हो, देखो जो सुविधाएं मिली हैं क्या उसको हटा कर वोट बैंक बनाया गया, ऐसा तो नहीं है ना। और ये बिल्कुल विश्वास के साथ जीतेगी केजरीवाल का, अगर हमारे मोदी ने अंदर भी कर दिया जब भी जीतेंगे हम लोग। और केजरीवाल जी हमारे मार्गदर्शक है, अगर वो खड़े रहते तो हम लोग सारे इतने उत्साहित रहते। पार्टी चलेगी उनके कहने पर चलेगी, और चार स्तंभ जो अंदर है वो बिना उसके है। हम अपना बाहर से साथ देंगे केजरीवाल जी का, हम बाहर से संघर्ष करेंगे उनके लिए। हमारी नहीं, एडी मोदी सब एक है, कौन कहता नहीं है, एडी मोदी सब एक है, कोई नहीं अलग कहता है उनको। उसके लिए काम किया है तो ये तो बेकार बात है, जो काम करता है जनता के लिए उसको आप हटा देते हो। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर प्रदर्शन की बात की गई थी और प्रदर्शन में तमाम लोग लगातार जुड़ते नजर आ रहे। पहले तस्वीरें दिखाऊंगी, महिलाएं कुछ मेरे साथ हैं यहाँ पर, पुरुष भी लगातार, इनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो प्रदर्शन है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, बैरिगेटिंग जो लगाई गई है हर जगह पे, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा करेंगे महिलाओं से कि महिलाओं के लिए मसीहा कहे जाते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। कहा जाता है मैम कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जी ऑफ कोर्स यार, देखिए अभी आपने देखा होगा 1000 रुपया राशि देने की जो बात करी है हर 18 साल से हर महिला को, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। एक घर में 5-5 महिलाएं अगर हैं तो सोचिए कि हर महीने उनको 5 से 10 हज़ार रुपये का इनकम शुरू होने वाला है। आपने देखा होगा बस फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, कहते हैं महिलाओं को तो वोट बैंक बनाया गया। आप कैसे कह सकते हो, देखो जो सुविधाएं मिली हैं क्या उसको हटा कर वोट बैंक बनाया गया, ऐसा तो नहीं है ना। और सुविधाएं देना तो हमारे मुख्यमंत्री का काम है, कोई भी नेता कोई भी लीडर काम है कि अपने लोकल एरिया में अपने जो लोग हैं उनको वो सुविधा दें, उनको जरूरत है। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए काम किया है, तो ये तो बेकार बात है, जो काम करता है जनता के लिए उसको आप हटा देते हो। जी यहाँ पर काम किया है सीएम केजरीवाल ने, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डर किस में है, अब आम आदमी पार्टी में डर है या भाजपा में डर है, क्या लगा? देखिए हम तो ये मानते हैं कि भाजपा में डर है, क्योंकि 22 अप्रैल तक वेट करने को बोला गया था, तो इतनी जल्दी गिरफ्तारी क्यों किया, 22 अप्रैल तक वेट कर लेते, लेकिन चुनाव का माहौल है और चुनाव में वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव के टाइम पे थोड़ा भी उनको ड्राइव करने का मौका दिया जाए। और केजरीवाल जी हमारे मार्गदर्शक है, अगर वो खड़े रहते तो हम लोग सारे इतने उत्साहित रहते, वो हमारे मोरल डाउन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीएम पद से कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ सकता है। देखिए ये तो वक्त बताएगा कि क्या करना पड़ेगा। हम यही मानते हैं कि अगर केजरीवाल जी जेल में भी हैं तो जेल से वो सरकार चलाएंगे, और हम सब साथ हैं, जब हमारा साथ है तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्या है। महिलाओं का साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर, अगर जेल से सरकार चलाते कैसे साथ देंगे फिर? हम अपना बाहर से साथ देंगे केजरीवाल जी का, हम बाहर से संघर्ष करेंगे उनके लिए, हम बाहर से लड़ेंगे, हम उनका साथ जहाँ तक देना होगा वहाँ तक देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि चुनाव बहुत नजदीक है और यहाँ पर चार स्तंभ, जो पार्टी के चार स्तंभ थे, वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर है। कैसे चलेगी पार्टी? पार्टी चलेगी उनके कहने पर चलेगी, और चार स्तंभ जो अंदर है वो बिना उसके है, कोई प्रूफ उनके जारी नहीं किया गया कि वो विरोधी हैं। बार बार यही कहा जाता है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। करोड़ों का घोटाला तो बीजेपी वालों ने भी किया हुआ है, 11-11 करोड़ का मोदी ने माफ करवाया बीजेपी वालों का घोटाला। ये हमारे केजरीवाल को ही क्यों घिसते हैं, इनको डर है कि हम केजरीवाल बाहर रहेंगे तो ही जीतेंगे, इनको डर है अपनी सत्ता का। मतलब ऐसा लग रहा था कि लोकसभा की जो 7 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। बिल्कुल विश्वास के साथ जीतेगी केजरीवाल का, अगर हमारे मोदी ने अंदर भी कर दिया जब भी जीतेंगे हम लोग, जीत पक्की जीत है। केजरीवाल का डर है, मोदी का डर है, तभी तो केजरीवाल के अंदर कर रहे हैं ना। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का कहना है कि कार्रवाई ईडी की है, हमारी नहीं, एडी मोदी सब एक है, कौन कहता नहीं है, एडी मोदी सब एक है, कोई नहीं अलग कहता है उनको, ठीक है। कोर्ट ने भी तो यहाँ पर कल मना कर दिया, हाई कोर्ट कौन सा कोर्ट भी तो फैसले का भी लेट दिया था ना, उन्होंने बोला था 22 तारीख को प्रूफ किया जाएगा कोर्ट में, तो 22 तारीख तक बीजेपी वालों ने वेट क्यों नहीं किया, क्यों ईडी को भेजा गया, क्यों किया गया? ईडी यहाँ पर ये कहती नजर आई कि हमने इस बात पे गिरफ्तारी की है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी से फोन पर बातचीत की थी, ऐसा कहते हैं। कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, कोई झूठ बात है ये, जब जब डरते हैं ये ईडी को और सीबीआई को पुलिस को ये उतारते हैं, जब जब मोदी डरता है ईडी को उतारते हैं ये। चलिए आपको और भी जानकारी यहाँ पर देंगे, यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, वो तस्वीरें पहले मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर तमाम लोग हैं बैठकर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके के तमाम बयान यहाँ पर नारे दिए जा रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लोग लेट तक गए हैं सड़कों पे यहाँ पे, क्योंकि कहा जा रहा है तमाम तरीके के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी चोर है, और यहाँ पर बीजेपी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल चोर है, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे अभी।